वालेकुम वेलकम टू तो माय चैनल वीकेंड्स कुकिंग विद नेता आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी तैयार करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप फ्लावर 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून सॉल्ट सबसे पहले हम बाउल में फ्लावर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और वन टीस्पून स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इतनी देर मिक्स करेंगे कि हमारा फ्लावर और ऑयल मिलकर ब्रेड क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ले फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी टो बना लेंगे तो हमारी ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और ना हार्ड हो फिर इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे आधा घंटे बाद या 20-25 मिनट बाद इसमें हम इसे हम बेल लेंगे बिल्कुल थिन रोटी की तरह फिर इसे हम किसी भी कटर से जितने भी आपको जितनी बड़ी आपको शेप देनी है फिर हम पॉप की मदद मतलब से इसमें छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं इसके बाद इसे हम गरम ऑयल में मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और ये फ्राई पापड़ी तैयार हो चुकी है इसे अब हम निकाल लेंगे पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए बोइल चने बोल आलू दाल सेब प्याज दही जिसे हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून चीनी और दूध के साथ बीट कर लिया है इमली की चटनी और ग्रीन चटनी इन दोनों की रेसिपी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं ये हमारी क्रिस्पी पापड़ी तैयार है सबसे पहले हम वन सर्विंग बताते हैं इसमें एक बड़े साइज की पापड़ी रखेंगे चने रखेंगे बॉयल आलू शामिल करेंगे आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिल्ली पाउडर शामिल कर सकते हैं दही शामिल करेंगे और इसमें इमली की चटनी शामिल करेंगे ग्रीन चटनी शामिल करेंगे प्याज शामिल करेंगे और सेब शामिल कर देंगे ऊपर से चाट मसाला शा, शामिल कर दिया हल्का सा और इसमें इमली की चटनी और ग्रीन चटनी दोबारा शामिल कर दी है यह प्लेटर तैयार करेंगे जिसके लिए हमने सबसे पहले पापड़ी रखी है इसके ऊपर बॉयल चने रखेंगे बॉइल आलू शामिल करेंगे ऊपर से हल्का सा चिली पाउडर शामिल कर दिया है प्याज शामिल कर देंगे चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं इमली की चटनी शामिल करेंगे ग्रीन चटनी शामिल करेंगे ग्रीन चटनी शामिल करने के बाद दही शामिल करेंगे दाल सेब शामिल करेंगे और ये हमारी पापड़ी चाट तैयार हो जाएगी आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अल्लाह हाफिज